यार इस देश का ना कुछ नहीं हो सकता। क्यों बे, क्या हो गया? यार राह चलते हर दूसरा बंदा यही कहता हुआ नजर आता है कि सब के सब चोर हैं, बेईमान हैं। देश का बेड़ा गर्क कर रखा है हमारे इन नेताओं ने। भाई बात तो सही कह रहे हैं, यहाँ गाड़ी से चलते हुए लोग कूड़ा ऐसे फेंकते हैं कि सड़क इनके बाप की ही हो। हाँ, और तो और कूड़ा ये लोग फेंके और बदनामी किसकी? प्रधानमंत्री जी की। बताओ, जिन्होंने स्वच्छ भारत अभियान का व्यापक सपना देखा था और हम लोगों ने उनके इस सपने का सार्वजनिक बलात्कार कर दिया। भाई यही याद रहा ना तो आपको नेता नहीं बनना चाहेगा और सबके सब नेता सुसाइड कर लेंगे। सुसाइड करने लाएंगे? वो क्यों? वो क्यों? जब इन लोगों के घरों में बच्चे नहीं होंगे ना तो यही लोग कहेंगे किसमें भी गलती मोदी जी की है, क्योंकि सारा समय तो विदेश यात्रा पर रहते हैं तो बच्चे कहाँ से होंगे। और अगर गलती से बच्चे पैदा हो भी गए तो जानता है इसकी जिम्मेवारी किस पर सौंपी जाएगी? केजरीवाल जी पर, क्योंकि सारा समय तो वो धरना पर बैठे रहते हैं। चला जा। वो देख अबे साले, यहाँ हमारे नेताओं का जीना मुश्किल हो रखा है और ये हैं कि सब पवित्र करने में लगे हुए हैं। अब बर्दाश्त नहीं होता, इन सालों को आज तो सबक सिखाना ही होगा। ऐसी बात है ना, तो रुक, आज इसकी फिल्म बना ही देते हैं। एक मिनट रुक और ध्यान रहे, वो जैसे ही पीछे मुड़े ना इसको कस के पकड़ लियो, फिर देख। अच्छा कौन है? क्या कर रहे हो तुम लोग? शर्म ना दे तुम लोगों को। अबे साले, हमें शर्म नहीं आती, सड़क पे तू पेशाब करे और शर्म हमें आए। बेटा रुक, तेरी ये वीडियो व्हाट्सएप फेसबुक यूट्यूब सब जगह वायरल करता हूँ, रुक तू। अरे नहीं नहीं नहीं, रुक 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 भाई, ऐसा मत करना। तुम लोग जो बोलोगे वो मैं करने को तैयार हूँ। हाँ तो चल बोल, खुले में शौच करना देश से गद्दारी करना है। और कसम का, हाँ कि आज के बाद खुले में शौच कभी नहीं करेगा। बोल। हाँ भाई मैं कसम खाता हूँ, आज के बाद खुले में शौच कभी नहीं करूँगा। अब तो छोड़ दो, ये हुई ना समझदारी की बात, चल जिप बंद कर। खैर हमने इसे तो सबक सिखा दिया, अब आपकी बारी। सड़क पर कूड़ा फेंकना, खुले में शौच करना एक गंभीर अपराध है, इसे आजीवन की जेल। और जाते जाते हमारी कोशिश को देश की आवाज बनाने के लिए प्लीज लाइक कमेंट शेयर एंड सब्सक्राइब आवर चैनल द इंडियन फील्ड।